नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी बोले, अगली दिवाली तक अयोध्या में बनेगा राम मंदिर। बांग्लादेश ने कहा, रोहिंग्या शरणार्थियों के आतंकवादी संबंधों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बेंगलुरु के इजीपुरा में रसोई गैस सिलेंडर में विस्फोट से 2 मंजिला मकान धराशायी, 7 लोगों की मौत। शिवसेना में अपनी पार्टी के 7 पार्षदों के चले जाने पर मन से नेता राज ठाकरे ने कहा, शिवसेना ने पैसे की गंदी राजनीति की है। यशवंत सिन्हा का फिर भाजपा पर हमला, कहा, राजसत्ता पर अंकुश के लिए लोक शक्ति आंदोलन की जरूरत। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू, 23 अक्टूबर अंतिम दिन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत में नोटबंदी और GST को बताया ऐतिहासिक सुधार। केरल के कन्नूर जिले में थालसेरी के नजदीक एक और RSS कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर उनके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण गेंदबाज रहे हैं। लालू यादव ने कहा, डरपोक है नीतीश कुमार, 7 जन्मों तक उन्हें माफ नहीं करूंगा। ये थी आज की खास खबरें, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।